हेलो दोस्तों, आज हम शेयर करेंगे मशरूम की दुनिया की। अगर आप गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हैं अच्छी बात है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप केवल जिज्ञासु हैं, कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम यही बताएंगे कि मशरूम की फार्मिंग कैसे होती है और व्यापारिक लेवल पर किस प्रकार से मशरूम की फार्मिंग की जाती है और कितने बड़े प्रोडक्शन पर कितना अच्छे से मशरूम ग्रो किया जा सकता है। जैसे मौसम में बदलाव होता जा रहा है, सर्दियां आना शुरू हो रही हैं, उसी प्रकार से आप भी जो है मशरूम को अपने घर पर बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। बस उसके लिए थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक की आवश्यकता होगी, उसके लिए आपको देखना होगा ये वाला वीडियो कम्प्लीटली, तो इसको वॉच ज़रूर करते रहें। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीट ये भी बता करके चलेंगे कि हम किस प्रकार से मशरूम के लिए सॉइल मीडिया तैयार किया जाता है, कितना है टेम्परेचर होता है, वाटरिंग कैसी होती है, मेंटेन कैसे करना होता है, और कब कब हार्वेस्टिंग करनी होती है, कब कब क्या न्यूट्रिशन देने, तो मतलब बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपको जल्दी से अवेलेबल नहीं होती है, वो हम इस वीडियो में प्रोवाइड करा करके आपको चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मशरूम है क्या। तो मशरूम दोस्तों, जो मशरूम है वो एक फंगस है, और मशरूम में कई सारी वैरायटियां हैं दोस्तों अवेलेबल हैं मशरूम की, बट जो खाने लायक जो वैरायटियां हैं, लगभग 4 से 5 वैरायटी जो हैं खाने योग्य हैं, जिनको खाया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा जो वैरायटी खाई जाती हैं वो 2 से 3 वैरायटी जो है सबसे ज़्यादा खाने में इस्तेमाल की जाती हैं और जिनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। एक है ऑस्टर मशरूम, दूसरा है बटन मशरूम। तो दोस्तों, आज जो हम फार्मिंग दिखा रहे हैं आपको वो है बटन मशरूम की। और बटन मशरूम को ही दोस्तों ढिंगरी मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, लोकली नेम में इसको जो है ढिंगरी मशरूम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका जो शेप है वो आपने देखा होगा एक गोल छाते के जैसा रहता है, तो इसलिए इसको ढिंगरी मशरूम भी कहा जाता है। अब आगे हम जानते हैं कि मशरूम की फार्मिंग होती कैसी है। तो देखिए दोस्तों, मशरूम की फार्मिंग करना बहुत ही आसान है, इसको जो है एक बंद कमरे में भी किया जा सकता है। इसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए नहीं, आपको बहुत बड़ा खेत नहीं चाहिए, आपके पास एक 10x10 का कमरा है, उसमें भी बहुत अच्छे से आप मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आप इसको सर्दियों में करते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है इसको बहुत कम से कम चाहिए होता है। जब आप इसको सर्दियों में करते हैं तो आपकी लागत बहुत कम आती है, क्योंकि टेम्परेचर ऑटोमेटिकली नेचर के द्वारा सेट कर दिया जाता है, तो अपने आप ही मशरूम अच्छे से ग्रो होने लग जाती है दोस्तों। तो आपका जो टेम्परेचर मेंटेन करने का जो खर्चा होता है वो भी बच जाता है, तो आप घर पे भी बहुत ही आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। और जो लोग कॉमर्शियली यूज़ कर रहे हैं वो तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं टेक्नोलॉजी का। तो दोस्तों, बात करें सबसे ज़्यादा अगर जो मशरूम खाई जाती है वो इंडिया में बात करें, तो जो बटन मशरूम है वो ज़्यादा इस्तेमाल करी जाती है। बटन मशरूम जो है ज़्यादातर होटल्स वगैरह में आपको प्रोवाइडेड रहती है। इन दो मशरूम्स को आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और इनसे बिजनेस भी बना सकते हैं, और आप अपने घर के लिए मशरूम भी उगा सकते हैं। सबसे पहले हम यही स्टेप जानेंगे कि किस प्रकार से जो सॉइल मीडिया है वो किस तरीके से तैयार होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है बहुत सारा भूसा, जो गाय भैंस खाती है, जो कि हमारा गेहूँ के जो स्टैम्प होता है उससे निकल कर के आता है, उस भूसे को हम रखते हैं। और कुछ और भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, जैसे हमें अगर जो पोल्ट्री फार्म हाउस हैं उनके जो मुर्गियों की बीट्स है उसको भी हम इकट्ठा करके लाते हैं और इनको अच्छे से मिक्स करते हैं, और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट भी ऐड किए जाते हैं, और ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को गीला किया जाता है मॉइस्चराइज, पानी में भिगोया जाता है कम से कम 24 घंटे। भिगोने के बाद इस चीज़ को ले जाकर कंटेनर, एक ऐसे चैम्बर बनाए जाते हैं, कॉमर्शियल लोगों की बात करें, अगर हम दोस्तों कॉमर्शियल में बात करें तो ऐसे चैम्बर बनाए जाते हैं जहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा ऐसे मिक्स किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद इसको पूरा कम्प्लीटली ले जा करके एक एयर टाइट कंटेनर होता है, चैम्बर होता है एक तरीके का, वहाँ ले जा करके रख दिया जाता है और पूरा दरवाज़ा क्लोज कर दिया जाता है, बिल्कुल हवा नहीं लगती इसको दोस्तों। और फिर इसको लगभग 2 से 3 दिन छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, गर्मी पैदा होती है, और बहुत सारी गर्मी पैदा होने के बाद ये डीकम्पोजिशन वाली स्थिति में पहुंचने लग जाता है और बहुत अच्छे तरीके से ये फॉर्मेट को चेंज कर देता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे इस तरीके का भूसा अवेलेबल था, ये जब भिगो करके तैयार करा गया तो आप देख सकते हैं किस तरीके की फॉर्म में चला गया है। अब इसको भर के ले जाया जाएगा ट्रैक्टरों की मदद से हमारे दूसरे वाले यूनिट पर, जहाँ हम विजिट करने आए हैं वहाँ पर। जब हम फंगस को गेहूं के दाने पर लगा करके रेडी कर देते हैं तो उसको हम स्पून कहते हैं, और ये स्पून जो है
बहुत ही आसानी से अवेलेबल नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये बड़े फार्मर्स हैं उनके पास अवेलेबल होता है या जिनके पास टेक्निकल लैब्स हैं वहाँ अवेलेबल होता है। तो आप वहाँ से जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं और अपने घर पे भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसको लगाया कैसे जाता है, तो दोस्तों अगर आप बड़े लेवल पर कॉमर्शियल लेवल पर कर रहे होते हैं तो इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से पूरा जो आपका बेस है जो सॉइल मीडिया उसको खिला दिया जाता है और इस तरीके के स्पून जो होते हैं इसमें थ्रो आउट कर दिए जाते हैं, इस तरीके से फेंक दिया जाता है छिड़काव विधि के द्वारा और इनको अच्छे से मिक्स करके तैयार कर दिया जाता है। और मिक्स करने के बाद ऐसी पॉलीथिन्स में इसको भर दिया जाता है। इन पॉलीथिन्स में दोस्तों होल्स बना दिए जाते हैं ताकि इसमें जो ओवर वाटरिंग है वो ना रहे, और इनको पॉलीथिन में भरने के बाद तैयार कर दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, ये बटन मशरूम है, इस बटन मशरूम को जो है इसी प्रकार की थैलियों में किया जाता है। जो आपने देखा होगा एक पैकेट टाइप की जो थैली होती है जो ऊपर से लॉक होती हैं जिनमें मशरूम साइड से ग्रो हो रहा होता है, वो ऑस्टर मशरूम होती है। तो दोस्तों अभी ये जो है बटन मशरूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरीके की थैली में इसको पैक किया जाता है और इनको ले जाकर इनके चैम्बर में रख दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो पॉली बैग होते हैं इनमें इसको फिल कर दिया जाता है। आप ऐसे भी कोई भी पॉली बैग उठा कर काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भी एक स्टैंडर्ड है, एक क्वालिटी है, उसके हिसाब से इन पॉलीथिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अब हमारा जो पॉली बैग है वो भर करके तैयार हो गया, हमने स्पून भी लगा दिया। अब इनको लगाया कैसे जाता है, अगर आपने एक रूम में रखा है, आप अगर एक रूम में सेटअप बना रहे हैं इस तरीके का, तो किस तरीके का आपको मेथड बनाना चाहिए, तो हम ये आपको विजिट करा करके चल रहे हैं। देखिए यहाँ कॉमर्शियल लेवल पर किस तरीके से इसको ग्रो किया जाता है, ये आप देख सकते हैं। ये कमरा जो है बहुत ही लंबा है, इसका साइज़ तो मुझे भी कंफर्म नहीं है, बहुत लंबा साइज था दोस्तों इसका। और इसमें मल्टी लेयर है, इसमें जो है इस तरीके से जो है मल्टी लेयर बना दी गई हैं जिसपे इन जो पॉली बैग्स हैं उनको रखने में आसानी हो और एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीथिन आ सके। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से लेयर यहाँ बना रखी हैं और एक के ऊपर जो रैक है एक रैक टाइप का बनाया गया है, वहाँ पर इसको रखा जा रहा है। और दोस्तों ये जो मैं आपको दिखा दूँ, ये जो आप देख रहे हैं जिस पे ये रखा जा रहा है, ये एक प्लास्टिक, एक मतलब प्लास्टिक तो नहीं कहेंगे, एक रबर टाइप का मटेरियल है जिसका ये जो है जाल बुना गया है और इस जाल पे रखा जा रहा है। और ये जो लोहा है, ये जो आयरन के रॉड हैं, इस केवल साइड में लगे होंगे, बीच में जो है पूरे में ये जो फाइबर आप देख पा रहे होंगे ये लगा हुआ है, इसी के ऊपर इसको रखा जा रहा है ताकि ये इसको कम्फर्टेबल फील करा सके और जो जब वाटरिंग हो तो ये किसी भी प्रकार की जंग या फंगस बैक्टीरिया वगैरह कुछ पैदा ना करे इसलिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप रैक लगा सकते हैं, आप घर पे भी कोई रैक बना सकते हैं, लकड़ी की भी बना सकते हैं, लोग बांस की भी बनाते हैं दोस्तों, तो आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके का बनाएं। ये कमर्शियल लेवल पर हो रहा है तो इसलिए इसको बड़े स्केल पर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीका अपनाया जा रहा है। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसको कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। देखिए मशरूम फार्मिंग के लिए दोस्तों जितना अच्छा टेम्परेचर आपको अवेलेबल होगा उतनी ही आपकी मशरूम अच्छे से ग्रो हो पाएगी, यानी कि जितना ठंडा एनवायरनमेंट आप अवेलेबल कराएंगे मशरूम भी उतनी ही अच्छी ग्रो होगी। तो मशरूम को अच्छे से ग्रो करने के लिए जो है सबसे पहली चीज़ है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है लगभग आपका 15 से 16 डिग्री अवेलेबल होना चाहिए। अगर इससे कम हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर इससे ज़्यादा भी हो जाता है तो थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला कंडीशन आ जाती है। तो टेम्परेचर जो है लगभग ऐसे ही 15, 16, 20 के करीब में आराम से अच्छे से होना चाहिए। यहाँ पे फंगस जो है अच्छे से ग्रो कर पाती है और फिर मशरूम को वो डेवलप करने में मदद मिलती है। दोस्तों ये आइसोलेट जो रूम बना हुआ है इसका जो टेम्परेचर है मैं आपको दिखा करके चल रहा हूँ। देखिए आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर 16 के आसपास ही है, आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से इसका टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव किया जा रहा है क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाई गई हैं। तो दोस्तों अब ये पॉली बैग लग गए, पॉली बैग लगाने के बाद इनको अच्छे से क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद किस तरीके से, इस तरीके से बंद करके रख दिया। अब दोस्तों बात आएगी कि इनको खोलना कब चाहिए, तो दोस्तों उस समय बाद जो है इनको खोला जाएगा और खोलने के बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको फोल्ड कराया जाएगा। फोल्ड करने के बाद ये लेयर तैयार हो चुकी है, इसमें फंगस हल्की सी और इसमें केसिंग की जाएगी। दोस्तों केसिंग किस प्रकार से की जाती है, केसिंग में दोस्तों बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड होता है। जिस प्रकार से हम गमले में पौधे लगाने के बाद जब कुछ समय बाद जब हमारा पौधा बड़ा हो जाता है या उसमें न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है, तो जब हम उसमें दूसरे फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराने के लिए गुड़ाई करके अच्छे से प्रोवाइड कराते हैं, उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसी प्रकार से इसमें जो है जब आप इसका फंगस क्रिएट हो जाता है तो वो केसिंग के लिए यहाँ पे कोकोपीट या फिर दूसरे कई सारी चीज़ें यूज करी जाती है जो वाटर होल्ड कर पाएं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके, यानी कि एक लेयर बिछाई जाती है 1 से 1.5 इंच की, उस लेयर को बिछाने के बाद क्या होता है वाटर अच्छे से कंटेन रहता है तो मॉइस्चर होने की वजह से फंगस भी अच्छे से क्रिएट होता है। तो इस तरीके से केसिंग हो जाती है दोस्तों, और केसिंग होने के बाद आपका जो मशरूम है वो ग्रोइंग होने के लिए तैयार होता है।
चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि मॉइस्चर किस तरीके से इसका मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है कि जो इनका सॉइल मीडिया है वही इस तरीके का होता है कि वाटर को अच्छे से होल्ड कर पाए। और दूसरी चीज़ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से वाटरिंग की जाती है। वाटरिंग आपको मेंटेन रखनी है, ऐसे होता है, बहुत ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं करनी है और बहुत कम भी नहीं करनी होती है। तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है मशरूम की फार्मिंग में वाटरिंग किस प्रकार से होनी चाहिए। वाटर का लेवल भी आपको मेंटेन रखना होता है जिससे आपका मशरूम जो है वो डैमेज भी ना हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ वाटरिंग की जा रही है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है इनका पूरा, जिससे जो है ये वाटर यहाँ पे स्प्रे करते हैं और बहुत ही अच्छे से स्प्रे करते हैं। बहुत ज़्यादा वाटर वेस्टेज भी नहीं होता और पानी जो है अच्छे से जो मशरूम है उनको मिल जाता है। अब वाटरिंग करने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है दोस्तों। अब छोड़ने के बाद जो है अब ये मशरूम्स ग्रो होती रहेंगी और हम इस पर जो है सिंपली चीज़ इस्तेमाल करते रहेंगे, वाटरिंग पहुंचाते रहेंगे। कुछ न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं वो भी हम प्रोवाइड कराते रहते हैं बीच बीच में, जिससे हमारा जो मशरूम है वो हार्वेस्ट किया जा सके। मशरूम जो है एक बार बुआई करने पे 2 से 3 बार हार्वेस्ट किया जा सकता है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो दोस्तों अब हमने बात कर ही ली है हार्वेस्टिंग की, तो चलते हैं हार्वेस्टिंग किस प्रकार से की जाती है। तो अब आपको हम दिखा देते हैं कि किस प्रकार से जो कितने बेहतरीन तरीके से इसको हार्वेस्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसको बहुत ही आसानी से उठाया जाता है, संभाल करके और क्रैक किया जाता है, तोड़ लिया जाता है। तोड़ने के बाद इसकी जो शेप होती है उसको काट करके साफ़ करके इस तरीके की जो ट्रेज होती हैं उनमें रख दिया जाता है ताकि इनको मार्केट में आसानी से भेजा जा सके। अब फिर देखते हैं दोस्तों इस तरीके का पूरा कंडीशन होने के बाद, इस तरीके की पूरी जो रैक आप देख रहे हैं इसमें पूरी रैक्स में मशरूम्स लगी हुई हैं बहुत ही शानदार। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, जो कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है दोस्तों, जिससे वो है अपना घर बार चला पाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं, ये मशरूम तो हार्वेस्ट हो चुकी है, अब पैकेजिंग कैसे होती है, मार्केट कैसे जाती है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको किस तरीके से मशरूम को पैक किया था। आप जैसे अभी हमने देखा कि जो ट्रेज हैं वहाँ उसमें जो मशरूम लाई जाती है और लगाने के बाद इस तरीके से सेपरेट कर दी जाती है। और दोस्तों आपको एक माइनस पॉइंट भी दिखाते हैं दोस्तों, ये जो मशरूम है ये डैमेज भी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये वाली ट्रे में कुछ डैमेज मशरूम रखी हुई है, यानी कि ये मार्केट में सेल नहीं हो सकती, इसको कुछ और भी यूजेस में लिया जा सकता है या ये लोकली सेल करी जा सकती है। तो देखिए ये जो ब्लू कलर का कंटेनर है, इस कंटेनर में इन पीसीस को वजन के हिसाब से किया जाता है। वजन करने के बाद इसको अच्छे से पैक करने के लिए ऐसी पॉलीथीन का यूज किया जाता है और पॉलीथीन से इस तरीके से अच्छे से कवर करके ये हमारे जो मशरूम के पैकेट हैं वो तैयार हैं मार्केट के लिए जाने के लिए। और आप इनको परचेज़ करने के लिए भी तैयार है तो परचेज़ करिए और मशरूम बनाइए और खाइए, सेहत बनाइए। तो दोस्तों फाइनली आपने जाना कि किस प्रकार से मशरूम का फार्मिंग होता है, मशरूम किस तरीके से ग्रो होता है, कैसी कैसी चीज़ें लगती हैं। अगर आप कमर्शियल लेवल पे करते हैं तो आपको किस तरीके का सिस्टम बनाना होगा, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो आपने देखा, बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। और दोस्तों मशरूम से जुड़ी अगर कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही गार्डनिंग के टिप्स एंड ट्रिक के साथ। टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।